हेलो दोस्तों, मैं अलजेब्रा का ये सेकेंड क्लास है जो अलजेब्रा एक लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल वाला जो सॉल्व करने के लिए बताए थे उससे आगे मैं जैसे 10 तक उस दिन बताए दिए थे उससे आगे लिखे हैं 18 सवाल, 18 आठ गो सवाल आज लिखे हैं फिर से, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इधर उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि इधर से बनाते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इसे देखिए दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला, तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, एक्स माइनस थ्री बराबर 15, ये देखिए तीन जो है इस पूरे स्टेप के गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना, सॉरी तीन होगा भागा में, तो तीन से ये कटेगा तो हो जाएगा हम लोग का 5। अब एक्स बराबर इधर 5 है, एक्स बराबर 5 है, माइनस 3 इस पार है उस पार जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 8। समझ में आया होगा। इसी को अगर कोई बच्चा बताएगा कि हम दूसरे तरह से बनाएंगे तो और कैसे बना सकता है, फिर ये और भी बताता हूँ वो भी कैसे बना सकता है। कोई कहेगा ना हम खोल देंगे ब्रैकेट, तो वो भी बनेगा 3 × x, 3x और 3 3 जा -9 इक्वल टू 15। अब 3x इक्वल टू 15, ये -9 इधर है उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, है ना, तो 15 10 25, तो इधर आएगा 24। x का जो है 3x का गुना में है तो उस पर जाएगा तो भागा में जाएगा, है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा 8। अब समझ में आया होगा, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इसको हटा देते हैं, ये आगे बनाते हैं। इसमें देखिए ये 7 इसका माइनस में उस पर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो एक्स बाई टू इक्वल टू 15 +7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 20 22 हो जाएगा, है ना, तो एक्स बाई टू, अब टू देखिए एक्स का भागा में उस पर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 44। दूसरा बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए माइनस माइनस 2x/7 इक्वल टू 8 है, इधर +2 है उस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 -2x इक्वल टू 6, ये 7 देखिए x का भागा में है उस पर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 42। और यहाँ x बराबर ये देखिए -2 इधर गुना में है इधर जाएगा तो -2 भागा में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 21, और यह माइनस गुना यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस आंसर होगा इसका। इसमें देखिए -3x इक्वल टू 18 है, ये देखिए 7 का आगे में देखते हैं, इधर ये माइनस इसका माइनस है, 7 का कुछ नहीं आगे में तो प्लस है उस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ 11, और इधर आएगा एक्स इक्वल टू ये 3 जो है गुना में है इस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना, तो ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, या कोई कहेगा नहीं हम ऐसा यहाँ माइनस देंगे तो भी ठीक, कहीं पर भी माइनस लिखना है एक जगह आपको। इसमें देखिए इसमें जो है यहाँ है 3x, तो उधर खाली कर लेते हैं हम लोग 18, और यहाँ -3x, ये 40 उस पार है, देखिए 40 कुछ नहीं तो प्लस है इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना -22 बराबर, तो यहाँ x, अब x का जो -3 गुना में है इस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया और आंसर आया हम लोग का 22/3। समझ में आया होगा, आगे बनाते हैं। इसमें देखिए यहाँ है हम लोग का तो -9y इक्वल टू 11, ये देखिए ये इसका कुछ नहीं है आगे में तो प्लस है उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6, कुछ नहीं है तो बटा में 1 देते हैं। जब भी फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एलसीएम लेना जरूरी, नहीं लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, 1 × 1 6 बार पढ़ेंगे 11 6 66 हो जाएगा, और यहाँ -25 है, और इधर है -9y, तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो 25 1, और यहाँ हो जाएगा 4/6, यहाँ हो जाएगा वाई बराबर, ये देखिए ये 9y गुना में है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -9 कटेगा नहीं, 41/54
फोर, तो माइनस आप ऊपर में या नीचे में कहीं पे भी लिख सकते हो, बस एक सेकंड। अगला देखते हैं, इसमें 3x इक्वल टू 1 है, ये 10 इधर प्लस में है उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 3x इक्वल टू इधर कितना होगा, माइनस 9। ऐसा इसलिए होता है, एक रुपया है 9 रुपया देना है, तो माइनस 9 होगा, कैसे दीजिएगा तो माइनस होगा। x इक्वल टू माइनस 9 बाय ये 3 जो है इधर गुना में है, इस पार जाएगा तो भागा में होगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 3 आंसर। इसमें देखिए यहाँ भी दो तरह से बना सकते हैं, x प्लस 11/4 बराबर 13, ये गुना में है ये स्टेप का ये 2, तो यहाँ जाएगा भागा में हो जाएगा ना, x बराबर 13/2, ये देखिए प्लस में है, ये इसका साइन प्लस है, उस पर आ जाएगा तो माइनस 11/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 दुनी 13 दुनी 26 माइनस 11 तो हो जाएगा 5 और 1/4, हो गया ये आंसर। एक तरह से ऐसे बना सकते हैं, और दूसरा कैसे बना सकते हैं, और एक तरह से बना सकते हैं, कोई अगर कहेगा हम ब्रैकेट यहाँ आंसर रहने देते हैं, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 2x और ये गुना हो जाएगा तो 11/2, ये क्या किए हैं, जो 2 गुना में होगा तो 2 से 4 कटा दिए, बराबर है 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 11/2, तब भी एलसीएम लेना पड़ रहा है, तो एलसीएम होगा 2, तो 13 दूना 26 माइनस 11, यहाँ हो जाएगा कितना, इधर है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 में 1/2। अब ये देखिए 2 इधर गुना में है, इस बार जाएगा तो भागा में होगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा 15/2, तब भी 4 आ रहा है। दोनों तरह से बना सकते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं आप YouTube पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।